लोग कहते हैं कि आपके यहाँ इतनी स्पिरिचुअल लाइफ होते हुए भी लोग जाति पाति की बात क्यों करते, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ है ही नहीं। जब आदमी फकीर हो जाता है, जब वो पीर हो जाता है, तब उसके लिए कोई सी भी जाति और धर्म का, साईनाथ ने कहा है किसी भी धर्म की निंदा करना महापाप है, और बिल्कुल सही बात, हजार गुना सही बात है। मैं आपसे बताती हूँ कि किसी भी धर्म की या धर्म संस्थापक की निंदा करना साक्षात परमात्मा की निंदा कराने बराबर है। उसके बाद नाभि चक्र पे श्री विष्णु लक्ष्मी जी का स्थान है, जिसे हम वैष्णवी शक्ति कहते हैं, जिसे उत्क्रांति होती है, जिसे एवोल्यूशन होता है, उनका यहाँ पर स्थान है। उसके चारों तरफ धर्म है, धारयति साधर्मा, जिसने धारणा की है, जिसके कारण हमारी मनुष्य के रूप में धारणा हुई है, वो धर्म है। जैसे सोने का धर्म है कि ये पीला होता है लेकिन ये खराब नहीं होता, अनटार्निशेबल है, सोने का धर्म है। ऐसे मनुष्य के भी 10 मुख्य धर्म है जो उसके पेट में है। लोग मुझसे कहते हैं कि माँ आप शराब को क्यों मना करती हैं। मैं शराब तो छोड़िए, मैं अगर एक बूंद भी पीला तो इतना इतना खून मेरे पेट से निकल आएगा। मैं थोड़ी कुछ कहती हूँ, मेरा पेट ऐसा, मैं अगर किसी नग्न स्त्री को कहीं देख लूँ और उनका नृत्य देख लूँ तो मेरे पेट में से ऐसी दर्द शुरू हो जाएगी और उल्टियों के मारे हालत खराब। किसी भी अधर्म का मतलब है आपके पेट में ही गड़बड़ है। ये 10 धर्म आपके पेट के अंदर हैं और ये 10 गुरु बनके हमारे संसार में अवतरित हुए।